एक तो अरेस्ट किया है ये अभी कर रहे हैं वारदात करके, दोनों ही वारदात करके ये सभी जानते हैं कि 27 तारीख को और 28 जुलाई को इन दो दिन दो लगातार वारदात हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल पे जो स्कफल्ड फेस के साथ तीन लड़कों ने दो जगह वारदात की थी। और जो एक पहली वारदात हुई थी उसमें सक्षम पेट्रोल पंप जो नमस्ते चौक के पास है, वहाँ से तीन लड़के मोटरसाइकिल पे आए, तीनों ने अपना फेस पन्ने से कवर कर रखा था और एक लड़के के पास पिस्टल था और एक लड़के के पास नाइफ था। उसने नाइफ से ये जो बैग जो आपने अभी देखा इसकी तनी काट के उस बैग को छीना, फिर जाते हुए एक फायर किया जो एक व्यक्ति उसमें घायल भी हुआ। और जो दूसरी वारदात अगले दिन संडे को 28 तारीख को राणा पेट्रोल पंप जो घरौंडा थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ वारदात हुई। वहाँ से इन्होंने जो मैनेजर का रूम था अंदर जाके और 70 लाख रुपए की इन्होंने कैश की लूट की, 70 हज़ार रुपये की कैश की इन्होंने लूट की गन पॉइंट पे। उसका भी CCTV फुटेज हमें मिल गया था और ये जो पेट्रोल पंप था सिटी वाला इसका भी CCTV फुटेज हमें मिल गया था। तभी से जो है हमने इसमें CIA 2 की और थाने की और CIA 1 तीनों टीम लगा रखी थी और काफ़ी क्लूज मिले थे क्योंकि मोटरसाइकिल और लड़कों का हुलिया हल्का जो उनका फिजिक था वो नज़र आ रहा था। तो तब से जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और अभी परसों इसमें हमें एक लड़का इसमें अरेस्ट किया गया और CIA 2 की टीम ने काफ़ी मेहनत करके इसमें कामयाबी हासिल की। ये जो प्रिंस लड़का है बीड बड़ावला गांव जो का रहने वाला, ये निगदू थाना क्षेत्र में पड़ता है, इस लड़के को परसों अरेस्ट किया गया शाम को। और जो दूसरा लड़का है विशाल, ये गोंदर गांव का रहने वाला है, इसे कल 1 बजे सेक्टर 12 से अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद इनको कल पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान इन्होंने जो वारदात को अंजाम दिया ये सारी बातों को इन्होंने कन्फेस किया और जो बैग लूटा गया था जिसके अंदर कैश था सक्षम पेट्रोल पंप से और जो वेपन यूज़ हुए थे और जो मोटरसाइकिल यूज़ हुई थी उसे रिकवर कर लिया गया है। इन्होंने अलग अलग मोटरसाइकिल दोनों वारदात में यूज़ की थी। जो पहली वारदात थी सक्षम पेट्रोल पंप की उसमें उसमें स्प्लेंडर मोटरसाइकिल यूज़ हुई थी और जो दूसरी वारदात थी उसमें डिस्कवर मोटरसाइकिल यूज़ हुई थी। बाकी जो इनसे रिकवरी है अभी 20 तारीख तक पुलिस रिमांड पे हैं। जो कैश है वो इन्होंने बता दिया है कहाँ रखा है और जो नाइफ है और एक पिस्टल और है जो इनसे बरामद करनी है। कैश इन्होंने जितना लूट किया है उन्होंने बता दिया कहाँ रखा है। एक तो अरेस्ट किया है ये अभी पूछताछ कर रहे हैं, दोनों ही वारदात करके